जब किडनी कम काम कर रही होती है और किडनी का GFR लेवल कम होने लग जाता है, तब किडनी ब्लड का फिल्ट्रेशन नहीं कर पाती है और एक किडनी रोगी की बॉडी के अंदर क्रिएटिनिन और यूरिया बढ़ने लग जाता है और ये क्रिएटिनिन यूरिया कम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कोई बात नहीं, मैं किस लिए हूँ, मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आपको क्या चीज़ें हैं जो इसमें नहीं करनी है और क्या चीज़ें हैं जो आपको करनी है जिससे आपका क्रिएटिनिन यूरिया धीरे धीरे कम होने लग जाएगा। किडनी का GFR लेवल जो होता है वो आपके ब्लड के फिल्ट्रेशन को दिखाता है कि आपकी किडनी एक मिनट में कितना ml ब्लड का फिल्ट्रेशन कर रही है और इसी ब्लड को फिल्ट्रेशन करते समय किडनी आपके जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनका बैलेंस बनाती है, साथ में जितने भी हानिकारक वेस्ट मटेरियल होते हैं वो आपकी बॉडी से बाहर निकालती है पेशाब के जरिए। लेकिन जब किडनी सही से नहीं काम कर रही होती है तब क्रिएटिनिन यूरिया जैसे हानिकारक तत्व आपके ब्लड में रह जाते हैं। तो आपको क्या नहीं करना है क्रिएटिनिन यूरिया ताकि ना बढ़े, तो सबसे पहले आपको कोई भी प्रोटीन वाली डाइट नहीं लेनी है। अगर आपका डायलिसिस नहीं होता है तो, अगर डायलिसिस होता है तो आपको प्रोटीन खाना अनिवार्य है। अगर डायलिसिस नहीं होता है तो आप प्रोटीन का इंटेक कम से कम करें, इतनी कोशिश करें कि आप प्रोटीन बहुत सीमित मात्रा में लें। दूसरा जो सबसे बड़ा पॉइंट होता है कि एक किडनी रोगी के शरीर में एक्स्ट्रा फ्लूइड भरने लग जाता है, तो उसको फ्लूइड का इंटेक भी डॉक्टर के अनुसार ही रखना है और कम से कम मात्रा में फ्लूइड का इंटेक लेना है। इतना फ्लूइड का इंटेक लेना है जितना आपका यूरिन आ रहा है। जैसे आपको 24 घंटे में 1 लीटर यूरिन आ रहा है तो आप 1.5 लीटर तक फ्लूइड का इंटेक कर सकते हैं। जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो होता है सॉल्ट। तो नमक एक किडनी रोगी को बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में ही खाना है। जितने भी प्रकार के साल्टेड फूड आइटम्स होते हैं वो भी नहीं लेना है। अपने खाने में एक्स्ट्रा जो नमक है उसका भी उपयोग नहीं करना है। किसी भी प्रकार का नमक का सेवन आपको बहुत कम मात्रा में करना है और जितने भी प्रकार के नमक होते हैं, चाहे काला नमक हो, चाहे सेंधा नमक हो, चाहे फरारी नमक हो, चाहे सफ़ेद नमक हो, ये सारे ही सारे नमक में सोडियम की मात्रा अधिक होती है और ये सोडियम ज़्यादा लेने से आपकी किडनी बहुत ज़्यादा डैमेज होती है, आपका ब्लड प्रेशर भी हाई रहता है, आपको प्यास भी ज़्यादा लगती है और आपकी बॉडी में फ्लूइड का इंटेक बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है। तो नमक बहुत ज़्यादा मायने रखता है किडनी के रोगों में, तो आप नमक की क्वांटिटी कम से कम लें। शुगर भी एक किडनी रोगी को बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अगर आप चीनी भी ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो इससे आपके शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बहुत तेज़ी से बढ़ती है और ग्लूकोज बढ़ने की वजह से आपके शरीर में एनर्जी ज़्यादा पैदा होती है और इस एनर्जी को एक किडनी रोगी खर्च नहीं कर पाता है क्योंकि वो ज़्यादा काम नहीं कर पाता है, ज़्यादा चल फिर नहीं पाता है, ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर पाता है, कोई भी मेहनत कर वो काम नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से उसका क्रिएटिनिन यूरिया कन्वर्ट होने लगता है, ग्लूकोज क्रिएटिनिन यूरिया बनाने लग जाता है। तो आपको चीनी भी एक सीमित मात्रा में ही लेनी है अगर आपका डायलिसिस नहीं होता है तो। डायलिसिस होता है तो आपको शुगर लेना अनिवार्य है क्योंकि डायलिसिस पेशेंट का जो शुगर का लेवल होता है वो डाउन रहता है। डायलिसिस मशीन शुगर कम कर देती है, इसलिए किडनी पेशेंट जिसका डायलिसिस होता है उसको शुगर लेना बहुत ज़्यादा अनिवार्य होता है। एक किडनी पेशेंट को कभी भी ऐसी चीज़ें नहीं खानी जिससे उसका पोटेशियम और फास्फोरस लेवल बढ़े, जैसे कि खट्टे नींबू नहीं खाने, खट्टे फल नहीं खाने, खट्टा अचार नहीं खाना, या आपको खट्टा दही नहीं खाना, खट्टी लस्सी नहीं खानी, फुल क्रीम मिल्क नहीं पीना। कारण क्या है कि आपका पोटेशियम लेवल बढ़ जाएगा, फास्फोरस लेवल बढ़ जाएगा। पोटेशियम बढ़ने से आपकी सांस उखड़ने लगेगी, आपकी हार्ट बीट तेज़ हो जाएगी और आपका हार्ट फेलियर भी हो सकता है। फास्फोरस बढ़ने से आपके शरीर में इचिंग होने लगेगी, आपके शरीर में दाने होने लगेंगे, आपके पैर हाथ दुखने लगेंगे और भी आपको बहुत ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न होने लगेंगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को आप मेंटेन करके क्रिएटिनिन और यूरिया लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं, साथ में अपना पोटेशियम और फास्फोरस लेवल भी बढ़ने से बचा सकते हैं। फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए और फ्रेंड वीडियो को शेयर भी करते रहिए प्लीज़।